अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। और मैं हमाद टक है, और इस टक टेक ठक 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 से लगता है यार। कमेंट में मुझे बताएं किस किस को अच्छा लगता है, और ये अभी तक मतलब के सही सलामत हैं तो क्या यार, इस वाले में ज़्यादा करो बिस्किट। ये ज़्यादातर मेहमानों के आगे रखे जाते हैं। 25 वाले पैक में भी 12 बिस्किट आते हैं। रिटेल बिस्किट वाले जो एक पूरे डब्बे के अंदर दे रहे होते हैं, वो एक आई थिंक से मेरे पास पूरी यहाँ पर पल्टून में लेकर आ चुका हूँ। मतलब कि मॉयनीज टाइप का होता है, जो कि आप टक बिस्किट के ऊपर डाल के खा सकते हैं। एक यहाँ पर गार्लिक मायो है, एंड यहाँ पर बारबेक्यू फ्लेवर का यहाँ पर अवेलेबल है। तो लेट्स ट्राई दिस वन, के टक बिस्किट के ऊपर सॉरी अगेन टक ही आता है, क्योंकि यार एकदम से आता है कि हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का टक, तो वो टक से टक बन जाता है। तो अभी हम लोग बारबेक्यू फ्लेवर जो है ट्राई करते हैं। तो ये जो बारबेक्यू एंड गार्लिक फ्लेवर होता है, ये जो 25 रुपीज़ वाला पैक आता है, इसमें जितने भी बिस्किट होते हैं आई थिंक 6 पैक होते हैं, मतलब 25 वाले एक बॉक्स में, उसमें आपको एक या दो मायनीज इस टाइप के, चाहे गार्लिक मायो हो या बारबेक्यू या कोई और फ्लेवर हो, इसमें आपको फ्री देखने को मिलते हैं। तो आप शॉप वाले को बोल सकते हैं भाई मुझे मायनीज चाहिए, तो वो आपको शायद हो सकता है दे दे, अगर उसके अपने बच्चे ना हो शरारती से। तो लेट्स ट्राई दिस, इसका टेस्ट कैसा है यार, बहुत सॉफ्ट है ये। सबसे पहले तो वैसे इसको टेस्ट करता हूँ मैं। कुछ मिर्ची वाला लग रहा है, और कैचअप जैसा फ्लेवर इसका यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यस, दिस इज कैचअप वाला फ्लेवर, कैचअप। एंड इसने इन्होंने शायद से जो मेरे ख्याल से बारबेक्यू का थोड़ा फ्लेवर है वो मिक्सअप किया है। एंड इसको लेट्स ट्राई दिस। काफ़ी अच्छा मिल रहा है, बट बारबेक्यू फ्लेवर से ज़्यादा मेहंदी जैसी फ्लेवर यहाँ पर हमें आ रहा है। मतलब मुझे मेहंदी जैसी नहीं होती कि वो जो लड़की अपने हाथों पे लगाती हैं, उस जैसा टेस्ट आ रहा है मुझे यहाँ पर। यस, इट्स मेहंदी, मेहंदी वाला टेस्ट है। तो मतलब कि कैचअप वाला तो ठीक है, बट मेहंदी वाला इसमें जो टेस्ट आ रहा है वो बड़ा ही अजीब किस्म का टेस्ट यहाँ पर आ रहा है आपको। अब लेट्स सी गार्लिक, तो नेक्स्ट न्यू बिस्किट हम चूज़ करेंगे। होप कि ये इसका टेस्ट अच्छा हो। मेहंदी वाला फ्लेवर इसमें आ रहा है, और गले को भी बारबेक्यू वाला जो फ्लेवर है लग रहा है। एंड ट्राई मायनीज गार्लिक मायो। इसे खोलना भी ना। यस, अब गार्लिक वाला जो मायो है इसमें टोटली जो है ना गार्लिक वाला फ्लेवर आ रहा है। तो हम बिस्किट के ऊपर डाल के चेक कर लेते हैं कि कैसा लग रहा है। तो ये हमारा बिस्किट है, तो लेट्स सी भाई। ये जो मैं डाल रहा हूँ ना, ये ज़रा ज़्यादा डालो, आपने ज़्यादा डाल के नहीं खाना, क्योंकि पहले तो ये आपको शॉपकीपर जो हैं वो देंगे ही नहीं, आप मांगेंगे। अगर खुशकिस्मत है आपको ये मिल जाता है, थोड़ा थोड़ा लगा के खाइएगा 25 के पैक्स के साथ, या फिर आपके पास जो भी पैक हो। इसलिए आपके पास यहाँ पर 25 वाला पैक है, तो 12 बिस्किट आ रहे हैं, तो सबके साथ लगा के खाइएगा। तो मैं इसको पूरा का पूरा ही ट्राई करूँ भाई। कहना पड़ेगा कि जो गार्लिक मायो है और ये इसके साथ आ रहा है, अगर टक बिस्किट इसके साथ खाएं तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा बिस्किट का टेस्ट आपको आता है। अगर आप सादा खाएंगे तो आपको बिस्किट का टेस्ट उस तरह से नहीं आएगा कि कंपेयर टू दिस वन, जो कि पूरे एक पैक के साथ, मतलब कि 25 वाले पैक के साथ जिसमें 6 बिस्किट्स पड़े होते हैं, ये 25 वाले उसमें जस्ट एक या दो पैकेट आई थिंक सो आ रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से टक वालों को हर एक बिस्किट के साथ ही एक मायोनीज देनी चाहिए, चाहे गार्लिक हो चाहे बारबेक्यू हो, तो देनी चाहिए ताकि जो आपका कस्टमर है उसका फ्लेवर ज़्यादा आ सके। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ मस्ट होनी चाहिए हर एक टक बिस्किट के साथ, क्योंकि इसका टेस्ट जो है काफ़ी आला किस्म का हो जाता है अगर टक के साथ आप
गार्लिक मायो या फिर बारबेक्यू या जो भी आप ये खाना चाहें टेस्ट करें। तो ऑलरेडी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है और बिस्किट हमारे अगले पूरे महीने के लिए मेहमानों के लिए जमा हम करते जा रहे हैं। तो ये हमारा कंपैरिजन था टक बिस्किट का, जो कि टक ही कह सकते हैं बार बार, क्योंकि मेरे माइंड से भी मेरे मुंह से भी टक की टैक ही निकलता है टैक, तो इसको टक बिस्किट कहते हैं। तो टक बिस्किट का ये हमारा एक ओवरव्यू था। आपके आज मैंने 5 रुपये बचाए, स्पेशली बच्चों के मैंने 5 रुपये बचाए यहाँ पर, और होप के आपको मेरे इस इन वीडियोस से एक न्यू आइडिया के साथ जो मेरे यहाँ पर वीडियोस बना रहा हूँ आपको पसंद आएंगी और आपको 5 रुपये बचाने में भी कामयाब हो गए, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको अभी लाइव 5 रुपये बचा के दिए हैं। और बच्चों के जो स्पेशली 25 रुपीज़ ही देते थे या फिर 30 देते हैं, तो उन 30 में से अब 10 रुपीज़ वो वापस मतलब अपने जेब में अपने खाते में डाल सकते हैं। 20 रुपीज़ के 10-10 के बिस्किट ले आए, या फिर ये 5 वाले 4 बिस्किट लें, 4 पैक लें, तो 25 के बराबर ही बनते हैं। तो मतलब हिंस 5 रुपीज़ सेव। तो होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आई एम हामाद एंड ऐसी और भी वीडियोस लाता रहूँगा। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।